हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप तमाम लोगों को छठ पूजा की अग्रिम बधाई। आज के इस सभागार में उपस्थित आप तमाम पत्रकार बंधुओं का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अपसाइड हो जाए। मंचा सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्य के विकासशील युवा और संघर्षों के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के प्रभारी और पूर्व मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, लेफ्ट के शुभेंदु सेन जी और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव परम आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और आप तमाम पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरामैन, तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन इस उत्सव सभागार में। अब से कुछ ही क्षणों में हम अपना न्याय पत्र आप लोगों के साथ साझा करेंगे और हम आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी से और लेफ्ट के आदरणीय शुभेंदु सेन जी से, हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी से आग्रह करेंगे कि वो न्याय पत्र को आप लोगों के बीच लेकर के आए। ये हम लोगों का एक वोट और सात गारंटी है, जो गारंटी आप लोगों के बीच। हाँ, सभी लोगों से आग्रह है खड़ा हो करके, और जो हम लोगों की एक वोट और सात गारंटी की बात है उसको प्रदर्शित करेंगे। एक वोट सात गारंटी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं।
अब मैं राज्य के विकासशील संघर्षों के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब होंगे। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और आज इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, यहाँ उपस्थित आरजेडी के जेपी यादव जी और वाम दल के हमारे साथीगण, हमारे झारखंड प्रभारी मीर साहब और सभी गठबंधन के साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीज़ें आती हैं और उसे करना पड़ता है, तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा। लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है जो आपके सामने सात गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने जो मेरे नेतृत्व में चल रही है एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज होने के बाद जो इस राज में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे,
दो साल से अधिक लंबा, उसमें सरकार का जाया हुआ और उसके बाद हमारे विपक्षों का षड्यंत्र, उन सब को जवाब देते हुए आज हम लोग चुनावी समर में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे सरकार का कार्यकाल अभी एक महीना और होना था, लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि आज चुनाव एक महीना पहले हो रहा है। राज अलग होने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार हम इस चीज को देख रहे हैं और ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां भी हर लोगों का अपना अपना होता है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन शक्तियों के प्रति अपनी पारदर्शिता और न्यायपूर्ण और जनहित के लिए उपयोग करते हैं। तो आज चुनाव आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वो भी दो चरणों में, जहां पांच चरणों में चुनाव हुआ करते थे आज दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन सब के पीछे चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्या विषय है, वो तो आप सब लोग चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग आज आपके समक्ष इस राज्य के लिए आने वाले सरकार का एक आउटलाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो आपको दिखाया जा रहा है और इससे भी कहीं गहराइयों में जाकर राज्य सरकार काम करेगी, क्योंकि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुंचे जहां आज तक सरकार की ना आवाजें पहुंची है, ना सरकार की कोई लोग पहुंचे हैं, ना सरकार की किसी तरीके की उपलब्धियां पहुंची। हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का काम किया और आज आप देखेंगे पूरे राज्य में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है और इसी उत्साह उमंग के साथ आज चुनाव में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और बाकी विस्तृत रूप में हमारे आदरणीय खड़गे साहब विषय को बात को रखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हमारे यादव जी कुछ बात करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय और सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के आन बान और शान माननीय हेमंत सोरेन साहब जी और लेफ्ट के आदरणीय शुभेंदु सेन जी, मीर साहब, सभी सम्मानित महागठबंधन के नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने स्वयं जब अपनी बात रखने का काम किया तो सारी बात सामने आ गई और आदरणीय खड़गे साहब स्वयं जो है अपनी बात जब रखेंगे तो और भी बातें आएगी। मुझे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे दल के नेता
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नामित किया है और इसमें शामिल होने का मौका मिला है। झारखंड प्रदेश को बढ़ाने में और हर को सम्मान देने में जो महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है वह सराहनीय है, और वह सराहनीय ही नहीं है बल्कि एक वोट साथ गारंटी की योजना और भरोसा बरकरार गठबंधन सरकार पुनः जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आएगी और यहाँ जो नफरत फैलाने वाली ताकत है उसका ठोट ठिकाना नहीं रहेगा। इतना ही मुझे कहना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आए हुए माननीय खड़गे साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजद के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश यादव जी, वैसे तो ये जो जिस नए पत्र को हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं ये बेसिकली एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसलिए इसका तो तहे दिल से मैं समर्थन करता हूँ, हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूँगा। अभी हाल में बहुत कम दिन हुआ, हमको डेट ठीक से याद नहीं है, रांची के प्रेस क्लब में इसी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये जो एक हिस्टीरिया का मरीज के जैसा बिहेव कर रही है बीजेपी इस चुनाव में, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनका एक हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा क्या है उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको आज का एक वाकया से सुना देना चाहता हूँ। आज बड़का गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे, और उनका स्वागत के लिए वो जो एक भाड़े पर लिया हुआ कैंडिडेट है बीजेपी के द्वारा रोशन लाल जी, तो उन्होंने करीब एक दर्जन बुलडोज़र वहाँ उपस्थित किया और उस हर बुलडोज़र में बीजेपी का झंडा था। मैं समझता हूँ ये बहुत सिंबॉलिक है और इसका जो संदेश है उस संदेश को सब मतदाताओं को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता कायम हो गया इस राज्य पर तो ये बुलडोजिंग का एक पूरा अध्याय शुरू होगा, और ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, ये सारे लोगों के खिलाफ एक बुलडोजर राज शुरू करने के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था, और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं चुनाव कमीशन से एक और दरख्वास्त करूँगा, वो है कि ये जो हेमंत विश्व शर्मा है, वैसे लोग अब कहने लगे हैं कि ये विश्व शर्मा है, तो इनको झारखंड के लोग इनको एक तरह से पर्सनल नॉन ग्राटा घोषित कर दिए हैं अवांछित व्यक्तित्व के रूप में, और मैं चुनाव आयोग से घोषणा करूंगा कि इस चुनाव में हर तरह का काम से उनको बरी किया जाए, उनको अलग किया जाए, तो शायद एक बेहतर चुनाव हम लोग यहाँ कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को लाल सलाम। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सम्मानित हेमंत सोरेन जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड, गुलाम अहमद मीर, जनरल सेक्रेटरी AICC, जयप्रकाश नारायण यादव, श्री केशव महतो कमलेश और शुभेंदु सेन जी, और मीडिया के मेरे
सारे दोस्तों और यहाँ पर जो पधारे हैं बहुत से इम्पोर्टेंट लीडर्स, अभी आपके सामने हेमंत जी अपने विचार रखे और कैसा उन्होंने इस राज्य का कारोबार संभाला, कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक सारी चीजें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो डूएबल हम कर सकते हैं और हमारे बजट के अनुसार ही उस पे आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखे। मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं तो उसको फौरन उसके ऊपर टीकास्त्र करते हैं। कल शायद या परसों, कल यहाँ आए थे झारखंड में, उन्होंने अपने विचार रखते हुए या भाषण देते हुए मेरा भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो गारंटी देते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। और ये बात खड़गे साहब ने बेंगलोर में कही। देखिए, हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, अनुष्ठान में लाते हैं, लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं और कहते हैं ये मोदी की गारंटी, उन्होंने कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो अपना डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने जो बात की थी और किसानों का MSP मैं दुगना करूंगा। अगर उस वक्त एक बात भी उन्होंने बहुत धैर्य से किए, बहुत कॉन्फिडेंट से किए, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। जब वो अपनी बात रख रहे थे पार्लियामेंट में तब उन्होंने ये बात की थी, 100 दिन में अगर मैं जो ये वचन दे रहा हूं अगर वो मैं फुलफिल नहीं किया तो आप मुझे किसी भी चौराहे पे तो मुझे सजा दो। अब आप ही बोलिए झूठ कौन है। अरे, एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा बात करके झूठ पे झूठ
जब 2 करोड़ नौकरियों का सवाल भी आया तो उनके सलाहकार भी है, उनके होम मिनिस्टर भी है, उनको कई लोग उनके बीजेपी वाले उनको कहते हैं, चाणक्य का नाम दिए, जिस होटल में बैठे हैं हम इसी का होटल का नाम भी चाणक्य है नहीं, तो वो चाणक्य ने ये बोला कि मैं ऐसा हम नहीं बोले, वो सब चुनावी जुमले हैं, चुनाव में ऐसी बातें बोलते हैं तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब ये सवाल हमारे पास आता है, मोदी जी जो बोल रहे हैं झारखंड में हो किसी और जगह हो या उनके चेले चपाटे कोई भी हो जो कहते हैं, फिर ये सच है सच नहीं है, ये तो उन्होंने ही कहा, जुमले है कहा, तो हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमने यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी हमने मजदूरों के लिए नरेगा का वायदा किया, निभाया और करोड़ों लोगों को उसका फायदा हुआ, हजारों लोग रोज काम करते थे, ये तो सच है, ये तो बड़ी बात है। फिर हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और इम्प्लीमेंट भी किया, लैंड एक्विजिशन का हमने कानून लाया, इम्प्लीमेंट भी किया और कंपलसरी एजुकेशन हमने वायदा किया, वो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, हेल्थ मिशन हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने जो वायदा किया वो सब निभाया और अनुष्ठान में लाया। अब नहीं नहीं अब तो ये बोले, उस वक्त तो महंगाई कंट्रोल में थी, बहुत से चीजें हम जो किए उसका मैं ज्यादा लंबा पट्टी नहीं बनाना चाहता हूँ, उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मोदी जी हर जगह हमको इनकी गारंटी झूठ है, खड़गे जी खुद बोले हैं, अरे मैंने तो ये बोला कि बेंगलुरु में हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने निभाया है, और मैं आंकड़े देता हूँ बजट के तहत मैं बोलूंगा। देखो ग्रह ज्योति 200 यूनिट देने का हमने वायदा किया था और 2,14,00,000 ये बेनिफिशियरीज हैं, इसके लिए हम 9,657 करोड़ अलोकेशन किए हैं और खर्च किए हैं 5,164,00,000 अब तक अक्टूबर तक, 5,164। शक्ति फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन, ऑल वुमेन देखेंगे, इसके लिए बजट रखे थे 5,015 करोड़ और अब तक खर्च हुआ है 2,709 करोड़। गृह लक्ष्मी जिसको हमारे हेमंत सोरेन जी अब मैया योजना के नाते 1,000 रुपए दे रहे, हम गठबंधन की सरकार आने के बाद दिसंबर में 2,500 रुपए हम देंगे, ये जुमले नहीं है, ये डिसाइडेड है, बजट करेंगे जैसा हमने इसको बजट किया था। उसी के बाद अन्य भाग्य, इसमें एडिशनल 5 kg फूड हमने देने का वायदा किया था, वो भी हम दे रहे हैं, उसमें खर्च हमारा हुआ 2,582 करोड़, जैसा कि अब हम इसमें वायदा कर रहे हैं 7 किलो देने का यहाँ पर।
यू निधि, इसको 650 करोड़ हमने रखा था, उसमें 108 करोड़ खर्च हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे 2024-25 की एलोकेशन में 52,000 करोड़ हमने रखा है, जिसमें अक्टूबर तक 24,017 करोड़ यानी 47% खर्च हुआ है। ये जुमला है और वो मोदी जी हर जगह बोलते फिर रहे, महाराष्ट्र में गए खड़गे जी ने ऐसा बोला, यहाँ पर आ गए खड़गे जी ने ऐसा बोला। अरे खड़गे जी ने सच बोला और इसको हम निभा के रखेंगे और पैसे दे रहे हैं। ऐसा ही हमारे झारखंड में जो बोले हैं वो हम करके दिखाएंगे, यह हमारा दिल से निकलता है, कमिटेड है, हम गरीबों के और कमिटेड है। जो लोग सिर्फ अदानी अंबानी के तरफ ही देखते हैं, गरीब को नहीं देखते हैं, तो नेचुरली उनको तो हमारी हर बात अच्छी नहीं लगती। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम जो यहां पर बैठे हैं, सभी पार्टी के मुखिया भी हैं, ये लोग सब सोच समझकर इस 7 पॉइंट आपके सामने रखे हैं गारंटीज, इस गारंटी को हम करके दिखाएंगे। उसके अलावा भी बीच में और 2-4 चीजें आने वाली है जो युवाओं को और हमारे स्टूडेंट्स को जो फायदा मिलेगा, वो भी हेमंत जी बाद में उसको डिक्लेयर करेंगे। ऐसा हम आज जो काम पहले किए हैं अब आगे भी जो करने वाले हैं वो आपको हमने बताया है, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता और बस इतने गारंटी तो पढ़ूंगा, यही है ना, इधर इधर है ना, यही ना, पढ़ो आप पढ़ो, मैं पढ़ दूं, पढ़ो। आपने तो ये फोटो खींच ही लिया है, फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूं। जो सरकार, जो हमारे गठबंधन के साथियों ने और वर्तमान सरकार ने जनता के लिए एक आउटलाइन ड्रॉ किया है, उनमें जो 7 प्रमुख पॉइंट हैं वो है, पहला नंबर जो गारंटी है हम लोगों का 1932 आधारित खतियान की, और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाया जाएगा, फिर से सरना धर्म कोड को फिर से केंद्र को भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने तो अभी भेज ही रखा है और उस पर ये कुंडली मार के बैठ गए हैं, और फिर से हम लोग इसको इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो हम लोगों की गारंटी होगी, महिला सम्मान योजना, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर है इस राज्य के लिए, और इसी साल 2024 के दिसंबर से ही इन महिलाओं को जो इसमें हमने जोड़ा है, जिनको 1,000 रुपये अभी खाते में जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा, 2,500 रुपये राशि दी जाएंगी।
तीसरा गारंटी है सामाजिक न्याय की, एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण करने हेतु संकल्पित, साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। आपको पता है यही जुमलेबाजों की ये समूह ने यहाँ के पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिलता था, इन्हीं के सरकार ने उस 27% आरक्षण को काटकर 14% कर दिया था। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको प्रयास किया कि पुनः 27% मिले, लेकिन इस हमारे कार्रवाई पर भी ये कुंडली मारकर बैठ गए। हम लोग फिर से इसका प्रयास करेंगे ताकि इस राज्य के हमारे ओबीसी समुदाय को उनके उनको उसका हक अधिकार मिल सके। चौथा गारंटी है खाद्य सुरक्षा की, राशन वितरण 7 kg प्रति व्यक्ति किया जाएगा। और पांचवा गारंटी है रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का, 10 lakh युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। 15 lakh तक के स्वास्थ्य बीमा की जाएगी जो गरीब परिवार हैं। और छठा है शिक्षा की गारंटी, और चौथा है किसान कल्याण की, जिसमें MSP को हम लोग और अधिक बढ़ाएंगे, जो 2400 रुपये है उससे अधिक बढ़ा करके हम लोग 3000 रुपये से भी अधिक ले जाने का हम लोग का प्रयास है। और इसमें साथ साथ में जो वन उपज है, आपको मालूम है कि सरकार ने एक फेडरेशन भी बनाया है कृषि और वन उपज को लेकर, और इसमें जैसे वन उपज में लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी, साल बीज इत्यादि आते हैं, उन सब के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लोगों को मिले। हमारा प्रयास रहेगा इसको 50% तक वृद्धि किया जाएगा। ये 7 गारंटी हम लोग। तो ये गारंटी तो पढ़ ली है, और इसके बाद मैं आखिरी बात आपसे बोलूँगा कि अब तो कम से कम हम जो बोलने के बाद मोदी साहब, शाह, जो भी उनके लोग हैं, यहाँ बहुत बड़ी फौज आ गई है, 81 सीट्स है, 81 से भी ज़्यादा मंत्री हैं यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं। एक छोटा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोगों को एक घटनाक्रम मालूम है कि नहीं मालूम है, हम लोग तो लगातार चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेन और शिकायत करते जा रहे हैं हेट स्पीच को लेकर के। हम लोगों ने चुनाव आयोग के दरवाजे भी खटखटाए, चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। खैर, अब उनका राज चल रहा है। लेकिन बड़ा विचित्र बात मुझे कल परसों रात की घटना मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा देश के विभिन्न कोने से फोर्स को यहाँ लाया, डिप्लॉय किया गया है, बड़े तादाद में यहाँ फोर्स आए हुए हैं अलग अलग जिलों में। और अभी जो मुझे जानकारी कल मिली कि सिमडेगा जिला में आधी रात को वो जवान अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत है कि चुनाव के दिन भी एन केन प्रकारेण मतदाताओं को डराने, धमकाने, ये बात चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरीके के फोर्सों को, पदाधिकारियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये चुन चुन के ऑब्जर्वर भेजते हैं,
चुन चुन करके फोर्स भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जमशेदपुर में एक घटना घटा, ऑब्जर्वर के खिलाफ शिकायत की गई, उस ऑब्जर्वर को हटाना पड़ा। और यहाँ बड़ा ही विचित्र स्थिति है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम लोगों ने काम किया है, इस काम के आधार पर इस चुनाव को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इस तरीके के पदाधिकारी आ रहे हैं, कोई मीडिया के अखबारों में नहीं, कोई चैनलों में नहीं, आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी और वो एक ऐसा शांत जिला है जहां लोग बहुत शालीनता से रहते हैं, वहां गोलियों का बौछार होता है, ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले चुनाव में सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग। सर ठीक है, ठीक हो जो उन्होंने कहा और सभी ने कहा, अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो जिसको अगर कोई प्रश्न है तो एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। चलिए, यस इन बेंगलोर लेट हिम कम, आई विल टेक वन साइड, बट स्टैंडिंग होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि बैठ के मजा नहीं आता, वो एक तरफ ठहरेंगे, मैं एक तरफ ठहरूंगा। मेरे पार्लियामेंट में जो मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं देते, इसका क्या जवाब देंगे? फिर भी मैं रेडी हूँ, आप तय कीजिए कौन से जगह पे, बेंगलोर में मैं वहाँ आता हूँ, उसके उनके पूरे उत्तर देता हूँ, और उनको भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, हमारे प्रश्न का उत्तर उसको भी देखना होगा। जी देखिए, अब भाई ऐसा है, जो सवाल लोकल का है वो सवाल का जवाब तो वो देने वाले हैं, अब देंगे, लेकिन मैं इसलिए सवाल का जवाब देना पड़ा मुझे एक गारंटी के, मोदी साहब बेंगलोर की बात आकर यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं सुनिए, अरे मेरी पार्टी का जो भी गोप जी प्लीज, नहीं एक सवाल पूछे जब आपने, मेरे पार्टी का भी किया है तो निभाएंगे, क्योंकि आगे भी हम इनको ही चीफ मिनिस्टर बनाने वाले। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, थैंक यू। ये तो डिवीजन करना उनका काम है, और योगी जी को मैं पहले से जानता हूँ, जब वो पार्लियामेंट में थे, हमारे यादव साहब भी थे, उस वक्त हमारे एक भाषण पे ही रो लिए थे, फिर बाद में स्पीकर ने उनको समझाया, अरे वो बुजुर्ग आदमी है, क्यों उनसे लड़ते हो, चुप बैठो बोल के। देखो ये सब डिवाइड करने का है, अगर कोई यहाँ इस देश में डिवाइड करने की बात कर रहा है तो सिर्फ मोदी, योगी, शाह
अपने वोटों के लिए लोगों को बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म को अलग करने की बात कर रहे हैं, और जो चीज उनको करना चाहिए वो नहीं करते और ये चीज कर रहे हैं। अगर आपको कहीं मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब, हम जैसा बैठे वैसा ही अगर आपको मिले तो ये जरूर पूछ लेना ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। परसों खरगे साहब आए थे, बोले थे, वो पूछो। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, ओके, धन्यवाद, धन्यवाद।